कोविड 19 के भयानक परिणामों को लेकर सोमवार को जिला मंडी के सुंदरनगर शहर में लोगों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। जिला मंडी के सुंदरनगर में कर्फ्यू में ढील की अफवाहों और किताबें खरीदने की होड़ के कारण सोशल डिस्टेंसिंग की सरेआम धज्जियां उड़ाई गई, जिससे केंद्र व प्रदेश सरकार के कोरोना वायरस को लेकर जारी लॉकडाउन में कुछ रियायतें देने के निर्णय को भी गहरा आघात पहुंचा है। शहर में कर्फ्यू में ढील मिलने के बाद ही अचानक ही सड़कें दन दनाते हुए वाहनों से भर गई और लोग बेवजह वाहनों में घूमते हुए नजर आए। शहर में हालात बेकाबू होते देख सुंदरनगर थाना और ट्रैफिक पुलिस द्वारा एसडीएम सुंदरनगर राहुल चौहान के कड़े दिशा निर्देशों अनुसार शहर के ललित चौक, रेस्ट हाउस चौक, सिनेमा चौक और पुराना बस स्टैंड पर सख्त नाकाबंदी कर लगभग 2 घंटे की मशक्कत के बाद हालात में सुधार आया। आलम यह रहा कि डीएसपी सुंदरनगर गुरवचन सिंह द्वारा इन हालातों के मद्देनजर अपने आप कमान संभालते हुए शहर की सभी क्षेत्रों में दबिश दी गई। आज शहर में सोमवार होने की वजह से थोड़ा ज़्यादा रश है, जिसे पुलिस हर पहलू के ऊपर नज़र रखे हुए हैं तथा चेकिंग कर रहे हैं कि बिना काम से अननेसेसरी जो शहर में गाड़ियां लेके या पैदल घूम रहे हैं उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा रही है। जो कानून की अवहेलना कर रहे हैं जैसे एमबी एक्ट के तहत उनकी भी कानूनन कार्रवाई की जा रही है। काफ़ी चालकों के खिलाफ जो है कार्रवाई की जा चुकी है। कुछ लोगों के दिल में ये भ्रम है कि 20 तारीख को लॉकडाउन में कुछ कंसेशन दी जाएगी। इसमें मेरा सभी से लोगों से, स्थानीय लोगों से निवेदन है कि इस चीज़ को अपने दिमाग में ना लाएं। 3 तारीख तक लॉकडाउन जो है जारी रहेगा, उसे सख्ती से ही इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार की बिना सरकार के आदेशों अनुसार कोई भी लापरवाही नहीं बदली जाएगी, बरती जाएगी। और मैं फिर दोबारा लोगों से यही आग्रह करता हूं कि बिना मतलब से घर से बाहर ना निकलें। अगर बहुत ही ज़रूरी है तो मास्क लगा के आएं और कम से कम सदस्य घर से बाहर निकलें। उज्जवल हिमाचल के लिए सुंदरनगर से उमेश भारद्वाज की रिपोर्ट।